वेलकम टू द चैनल गाइस। और आज हम खेलने वाले हैं मिस्टर हॉब्स प्ले हाउस, जो कि काफ़ी पुराना गेम हो गया है। अभी मैंने बहुत बहुत टाइम पहले खेला भी था ये, बट मुझे याद नहीं है पक्के तरीके से कि मैंने इसे पार भी करा है। इसके तीन पार्ट आ चुके हैं, तीसरा पार्ट पूरा 3D हो गया है। बट मैं सोच रहा था चैनल पर अगर हम खेलें तो मैं पहला पार्ट ऑब्वियसली ख़त्म करना चाहूँगा ताकि स्टोरी आगे कंटिन्यू हो। तो बहुत ही मतलब सिंपल सा गेम है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। इसकी थोड़ी सेटिंग हमें करने की जरूरत है, तो गेम को स्टार्ट करते हैं न्यू गेम, क्योंकि आई गेस मैंने पहले करा था गेम स्टार्ट तो उसकी वजह से कंटिन्यू ऑप्शन आ रहा था, बट हम अब न्यू गेम कर सकते हैं। डैड, कैन यू टेक मिस्टर हॉप टू नाइट, ही स्केयर्स मी। तो हमारा एक टेडी बियर है, जिसका टेडी बियर भी नहीं है, रैबिट बियर हो गया, रैबिट बियर टेडी रैबिट हो गया, ठीक है। तो हम अपने पापा से कह रहे हैं मेरा खिलौना ले जाओ। पापा कह रहे हैं इतनी बेवकूफ़ वाली बातें मत करो, मैं तुम्हारी लाइट खोल देता हूँ, अगर तुम्हें डर लगेगा तो आराम से सो पाओगे तुम। तो आई गेस ये हमारे कमरे में ही है, बट हमारी लाइट ख़राब हो गई और हम चीख रहे हैं मम्मी पापा, कंचो वाली आंखें अपनी इधर उधर घुमा के। एंड हमारे पास एक नया मिशन आ गया है, हेड टू पेरेंट्स रूम। तो हमें पेरेंट्स रूम में जाना है क्योंकि हम डर रहे हैं यहाँ पे। तो गेम बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। ओ मैं भूल गया था इस गेम के बारे में, सॉरी। टॉयज मेक नॉइज, तो टॉयज से हमें आवाज़ होगी। अगर इफ ओनली रूबी, अच्छा तो अगर मैं खिलौने पे कूदूंगा तो मॉन्स्टर को पता चल जाएगा मैं कहाँ हूँ अपेरेंटली। ओह शिट, गैस बच गया मैं, ठीक है। अच्छा भूल गया था मैं कैसे सेलेक्ट करना है। ई से होगा मम्मी, जैना हमारी बनी हुई लेफ्ट पे, बीच में डैडी हैं, और हमें जो हमारा नाम है रूबी, और एक ऑब्वियसली टेडी बियर है जिससे हम डर रहे हैं। फुटस्टेप्स आर लाउड, मेक श्योर इट्स सेफ बिफोर कमिंग आउट ऑफ हाइडिंग। ओके तो मैं इस चीज़ का भी ध्यान रखना आई गेस कि हम शोर ना मचाएं। वो बंदा खड़ा है सामने, मैं तो इधर नहीं जाऊंगा। अरे यार बट जाना पड़ेगा गैस। गायब हो गया, ओके। ये ऐसे कमरे कहाँ होते हैं जहां पे मतलब ग्राउंड गिरा हुआ नहीं था, जिनमें इतने बड़े बड़े छेद हों, पता नहीं। ओह शिट यार, इतनी केयरफुली लिसन टू योर सराउंडिंग्स। मुझे अपने हेडफोन थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे, और उस चीज़ का डर भी लग रहा है। ओह स्नैप, ओके मम्मी डैडी कहाँ हैं आप? गो बैक टू बेड। अबे कैसी बच्ची है ये, इधर। ओके दरवाज़ा बंद है इधर। घर काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे, थोड़ा मॉडर्न है। बट ओश स्नैप स्नैप, जल्दी चुप चुप चुप, छुपेंगे कैसे हम? मैं तो भूल गया। ओके तो ये रेड लाइट क्यों हो रही है, मैं भूल गया हूँ पूरा गेम। आई गेस वो हमें अब ढूंढ रहा है। बड़ी दिक्कत है ये तो। ओ स्नैप, ये और शोर मचा जा रही है। ओ शिट, कैसा है 2D गेम और मैं डर रहा हूँ। मिस्टर हॉप लीव द हाउस, यार इधर साउंड है, उधर ही जाना पड़ रहा मुझे। ओके ये तो अभी कह रहे थे बेड पे जाके सो जाओ, फिर कह रहे हैं कि मतलब गेम छोड़ दो। ओके
द एंड हो गया बस इतना सा, एंडिंग स्लीप टाइट। रूबी ने सोचा कि सिर्फ एक बैड ड्रीम होगा और वो बेड पे जाके सो गई, शायद उसकी ये गलती थी। ओके लीव द हाउस, तो मुझे घर छोड़ना है, अभी गेम एंड नहीं हुआ है। मैं जाऊंगा कैसे? आई गेस यहीं मुझे छुपे रहना है अभी। यार ये तो वो हो गया मम्मी डैडी का हमारा कमरा। ओके प्रेस डाउन टू क्राउच बिहाइंड फर्नीचर। समझ गया मैं क्या करना, मुझे छुप छुप के जाना है यहाँ पे और इसके साउंड गॉच करना है कहाँ भी हो गए। ये टेलीफोन पे हमें ऑप्शन आ रहा है चलाने का, बट आई डोंट नो क्या होगा उसमें। ये यूज ही नहीं कर रही है टेलीफोन। ओ मैं देखने जा रहा था खड़े हुए होगा क्या है, सर पे आके नाच रहा है यार। ये लेफ्ट पे जाए तो मैं आगे बढ़ूं। अबे यार गलती से दबाए मेरे से, शिट यार। मैं जा सकता हूँ बट मैं रिस्क लेना नहीं चाहता इधर से जाने का, क्योंकि उसे पैरों की आवाज़ भी आ रही है हमारी। होपफुली जब वो थोड़ा और लेफ्ट पे चला जाएगा वी माइट फाइंड बिट मोर टाइम टू जंप ओवर दीज थिंग्स। हो बच गए। मम्मी लुक फॉर रूबीज मदर। व्हाट? अच्छा हमें अपनी मम्मी को ढूंढना है। किसी दरवाजों के लिए चाबी चाहिए थी, चाबी हमें मिल गई है। कैसे जाऊंगा? ओके मैं कहाँ जा रहा हूँ? ओ भाई क्या है यार ये, कैसा गेम खेल रहा हूँ मैं, डर रहा हूँ। टेप रिकॉर्डर स्टिकी नोट अटैच रीड्स अंडर द मिरर। ओके तो हमें किसी मिरर के पास जाना है आई गेस। वो भाग भी सकती है ये, डैम मैं पता नहीं था। अरे यार गलती से, शिट कोई बात नहीं, गेम लेकिन सेव हो गया वो तो बढ़िया चीज़ है। बट मुझे अब पता है मुझे जाना कहाँ है। अरे यार कैसा टेडी बियर या रैबिट बियर, टेडी रैबिट है ये, कैसा टॉय है ये। ठीक है एनिवर्सरी 18th अप्रैल। ये राइट पे जाएगा एंड जा, अरे यार
क्यों दिमाग खराब कर रहा है? अबे भाई, मुझे गलती से दबा रहा है वो बटन। मैं नहीं जानबूझ के दबा रहा हूँ। अच्छा, तो ये रुकती है तो सांस लेके और इसकी स्टैमिना बढ़ जाती है। बढ़ जाता है, बढ़ जाती नहीं है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। आई गेस वेट करना ही सबसे बढ़िया रहेगा। पेशेंस इज द की गाइस। यार ये एकदम से आ जा रहा है, मतलब पैरों की आवाज मुझे खुद नहीं आ रही है। मेरे पैरों की आवाज इससे कैसे आ रही है? आई गेस सब सेफ है। आ रहा है, आ रहा है। जैसे ही मैं सोचता हूँ जाने की, एकदम से आ जाता है मुझ पर। इतनी जल्दी मुड़ रहा है, ऑलमोस्ट जाने वाला था। ओश, मैं भूल गया हूँ। मैं भाग भी सकता हूँ उस गेम में, और एकदम से भूल जाता हूँ। राइट पे जाने देता हूँ, रिस्क लेना बेकार है। बच गए, बट आई गेस यहाँ की चाबी होगी वो। ओके, ये कुछ रखा हुआ है टेबल पे, चमक रहा है। आई गेस वही मुझे उठाना है। टेप वन, सितंबर 8, जैना, रूबी और मैं एस्थर के यहाँ गए थे कल। रूबी को हमेशा अपनी ग्रैंड मदर से मिलना बहुत पसंद था। नाना बोलती थी वो उन्हें, जो उनकी तबीयत कुछ महीनों से अच्छी नहीं थी। हम उनके यहाँ काफ़ी हफ्तों से जा रहे थे और वो बस एक दीवार की तरफ घूरती रहती थी। दादी, उन्हें पूरा हिला के झंझोड़ना पड़ता था उन्हें वापस होश में लाने के लिए। और वो ऐसे नाटक करती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और नॉर्मली बिहेव करती थी। भगवान जाने उनके साथ क्या हो रहा है। हमने उनके लिए एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक करा है, और उनकी जितने भी अच्छा, और मैं किसी नॉवेल, कोई नई नॉवेल लिख रही हूँ तो उसके लिए आइडिया भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। ओके, तो पहली टेबल में ये लिखा है, सॉरी टेबल कह रहा हूँ, टेप में। तो आई गेस मुझे और टेप भी ढूंढना है। क्यों ढूंढना है, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। ओ भाई, भाई साहब, खतरनाक गेम हो रहा है। होश दिला दिए, झंझोड़ दिया मुझे। बच गया। फाइन, बच गया। ओके, से वापस आने देते हैं। यहाँ पे तो कुछ है नहीं। मैप में आए क्यों इधर? यहाँ पे जाना बेकार है।
कुछ है नहीं यहाँ पे। एक और टेप मिल गया, टेप नंबर 2, 14 सितंबर जैना और मैं एस्थर के यहाँ जाना बंद कर देंगे। अच्छा आज से हमने बंद कर दिया आई गेस। उसकी जगह बहुत गंदी थी, मुझे नहीं यकीन कि और इससे भी ज़्यादा बदतर कैसे हो सकती है। एस्थर अपना ध्यान नहीं रख रही है, ऐसा लग रहा है कि वो हमें याद भी नहीं रखती है, हमें याद भी नहीं कर पा रही है। उसका कल अपॉइंटमेंट है, जैना बहुत परेशान है कि उसे मतलब देखभाल में रखते हैं ना बूढ़े लोगों को, तो वहाँ जाना पड़ेगा। मैं ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट करती रहूँगी, लिखती रहूँगी स्टेप में या रिकॉर्ड करती रहूँगी। मुझे उम्मीद है रूबी को, मैं उम्मीद करती हूँ कि रूबी को उसे इस हालत में ना देखना पड़े, यानी दादी को आई गेस। तो दादी को जैना बोल रही है ये फाइंड द टेप्स, तो बाकी के टेप भी ढूंढना है मुझे आई गेस। ओके यहाँ पे कुछ है नहीं, ओ भाई ये क्या, भाई ये क्या ये क्या ड्रामेबाजी है। इधर तो मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आई डोंट थिंक हमें टेप और मिलेंगे। आ रहा है भागता हुआ, इस पे कोई भरोसा नहीं है, दीवार फाड़ देगा ये तो। यार इनके बेडरूम में कुछ मिल नहीं रहा है मुझे, एक चाबी तो मिली थी मुझे आई गेस, वो चाबी ही थी बट चाबी कहीं यूज नहीं हो रही है। पीछे जाकर देखते हैं शायद कहीं और यूज हो। बहुत तेज आता है ये, फोन भी नहीं कर रही है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है अब करना क्या है, ये टेप ढूंढने के लिए कह रहा है गेम बस। तो आई गेस वी विल ट्राई एंड लुक फॉर द टेप्स। एक ये रहा, मिल गया तीसरा टेप, सितंबर 15। अभी रिकॉर्डिंग करते वक्त एस्थर हॉस्पिटल में है, उसके पड़ोसियों ने बताया पुलिस को, अच्छा उसके पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल करी थी सुबह सुबह क्योंकि उसके चीखने की आवाज़ें आ रही थी, तो वो हॉस्पिटल में कुछ दिनों के लिए रहेगी। हमने रूबी को बोला है कि वो गिर गई थी और अब वो ठीक है, तो हम उनके बस रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं। ओके तीन टेप मिल गए आई गेस, मुझे अब आगे बढ़ते रहना है। ये थी थर्ड टेप, अरे वापस आ रहा है। अबे यार हट, भूत कहीं का। अब थोड़ा और डेंजरस होता जा रहा है बंदा, मुझे 6 टेप ढूंढना है और चाबी किस चीज़ की मिली है मुझे अब तक समझ ही नहीं आ रहा है। भाग यार, यार वापस आ रहे हैं। शायद इस कम, हाँ इधर की होगी, इरा चौथा टेप, यस। टेप नंबर 4, सितंबर 17। हम रूबी को हॉस्पिटल लेने गए, लेकर गए नाना को दिखाने, यानी एस्थर को दिखाने जो हॉस्पिटल में है। एस्थर ने एक छोटा सा सॉफ्ट टॉय बनाया मिस्टर हॉप नाम का, जो एक छोटा सा खरगोश है। एस्थर को हमेशा सिलाई वगैरह करने में बहुत पसंद था, कपड़ों और खिलौना छोटे छोटे, और रूबी को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश थी वो। पर मुझे मानना पड़ेगा कि ये जो टॉय है बहुत अजीब सा दिख रहा है मुझे, मतलब अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है इस टॉय से। वो वही टॉय है जो कि हमारा भूत है गेम का आई गेस। तो 4 टेप हमें मिल गए हैं।
मुझे बेसमेंट में हमेशा डर लगता है भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा ओपन है ये। आवाज तो आ रही है वैसे इसकी, बट ये बेसमेंट में नहीं है। होपफुली मेरे पास 4 टेप हैं, आई गेस हमें वापस जाना पड़ेगा इधर उधर घूम के। 2 टेप और पढ़ने हैं फाइनल, इससे पहले कि हम घर छोड़ सकें। बट घर छोड़ के हम जाएंगे कहाँ, हम छोटे से बच्चे हैं। अबे यार गुस्सा हो रहा है यार, ये तो इसकी आंखों से और मतलब सुरमा इसका बह गया। जाऊं नहीं जाऊं समझ नहीं आ रहा है यार, इतनी तेज चक्कर लगा रहा है ना ये। ये आई गेस मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर कुछ होगा, तो उधर ट्राई कर लेते हैं। ओह शिट, फोन तो खुद ही बजाया, मैंने बजाया नहीं। हेलो रूबी। अच्छा खुद ही बोल रहा है। अबे यार यार सही गेम बनाया लेकिन फाइट दैट। अबे यार एक तो मैं इसे भूल जा रहा हूँ बार बार, तो आई गेस मुझे उधर ही जाना है जिधर मैं जा रहा हूँ। मुझे फोन दोबारा ढूंढना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। यार ये अब आए जा रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है, इसकी स्पीड बढ़ गई है मॉन्स्टर की। हेलो रूबी, इट्स मार्क फ्रॉम नेक्स्ट डोर, इज एवरीथिंग ओके देयर? आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल फॉर आवर्स। हेलो रूबी, पता नहीं क्या हुआ इस बंदे के साथ भी। ओके तो हमें ये गेट नहीं खुल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये गेट कैसे खुलेगा। हमें फाइनल 2 कैसेट या टेप ढूंढने हैं। पिछली बार यहाँ पे हमें टेप मिल गए थे, बट इस बार नहीं है। ओ बज गया, आई डोंट थिंक यहाँ पे भी कुछ होगा, तो वापस चलते हैं। तो फाइनल टेप मिलेंगे कहाँ से? यहाँ तो मेरा कमरा आ गया। हुज दैट, फाइंड अ सीक्रेट। अब ये क्या है? Find a secret? What do you mean find a secret? Yeri, nice. Okay, tape number 5, September 19. हमें एक कॉल आया। एस्थर अब अपनी नींद में ही मतलब she passed away. मर गई वो सपने सोते सोते, उनकी मौत हो गई। डॉक्टर ने हमें डायग्नोसिस नहीं दिया एंड कि उनका एकदम से मर जाना अजीब सा लगा। तो हमें रूबी को ये बताना पड़ेगा जब हम घर जाएंगे, जब वो स्कूल से वापस आ जाएगी। तो मुझे पक्का यकीन है कि वो इस खबर को सुन के अच्छा फील नहीं करेगी, हमारे लिए भी अजीब ही है ये बोला इन्होंने। आगे स्पाइनल टेप ढूंढना है हमें। नाना लुक्ड इनटू द फायर्स ऑफ हेल एंड शी सॉ मी। What? अच्छा दादी ने मुझे दोजख की आग में देखा और उन्होंने मुझे देखा। What? Doesn't make sense. Anyway, हमें लास्ट स्टेप ढूंढना है, होपफुली मिल जाए। Let's try to go over here. आई डोंट थिंक इधर कुछ होगा, चुप रहे कुछ नहीं कर सकता तो मेरा।
फाइनल टेप मिलता है मुझे। अबे 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 बड़ी तेज आ रहा था। ओके आई गेस हमें राइट ही जाना पड़ेगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यार एक तो मुझे टच हो जाता है ना तो भाई, ये क्या ड्रामा मची थी, व्हाट द हेल, ये क्या चिरान थी भाई। चलो आखिरी टेप यही था, इत्तेफाक से यही भी मिल गया। September 22nd, रूबी का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया जब से उसने खबर सुनी है दादी पास अवे हो गई है उसकी, एंड हमें उसकी जो गुलेल होती है वो उसे लेनी पड़ी क्योंकि वो अच्छा वो जो टॉय था रैबिट वाला उसके ऊपर कुछ अपने खिलौने से मारे जा रही थी गुलेल से, तो उसने कहा इससे उसकी जान बचती है, मतलब उससे दूर रहता है वो मॉन्स्टर वाला, वो जो खिलौना जो है इसका रैबिट वाला, पर वो तो एक खिलौना है। हमें उसकी गुलेल लेके हमने बंद कर दी क्योंकि रूबी हमेशा ढूंढ ढूंढ के उसे खिलौने पर मारे जा रही थी। के जैना उसकी चाबी यानी जो दादी थी, दादी उस मतलब लॉक जहाँ पे वो गुलेल रखी है उसकी चाबी हाउस प्लांट हॉलवे में है वहाँ पे रखा है, तो हमें वो चाबी ढूंढनी पड़ेगी। आई सपोज फाइंड द की एंड आई गेस इधर की ही चाबी होगी वो, जैसा ही लग रहा है। तो उसने बोला हाउस प्लांट के पास है किसी हैं, तो आई गेस हम गेम पार करने वाले। येरा हाउस प्लांट, एक तो एक येरा, एक ये भी रहा, कौन सा वाला हाउस प्लांट है ये नहीं पता, हॉल भी यही है। ओके ये वाला तो नहीं है, ये भी नहीं है। एरी मिल गई बट ये जाएगी कहाँ, आई गेस मुझे वापस ही जाना है चाबी लेके। हे कुछ नहीं कर पाएगा तू, आई गेस मुझे से इधर जाना पड़ेगा, इधर जाने देना पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे एक मॉन्स्टर आ गया था। होपफुली ये चाबी खुल जाए अब क्योंकि पिछली बार चल नहीं रही थी यहाँ पे। यस यार ये पासवर्ड वगैरह क्या डालूँगा मैं इसमें, ये पासवर्ड कहाँ से आएगा मुझे। ओके ये अलग दुविधा दे दी, कोई इन्वेंट्री नहीं है, कुछ है नहीं मेरे पास, इतना सा बच्चा हूँ मैं। और आई गेस इसका पासवर्ड ढूंढना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। बड़ी दिक्कत है आ रही है, हमें अल्टीमेटली घर से बाहर ही जाना है बट हम जाएंगे कैसे ये नहीं पता। एक तो इसका पासवर्ड चाहिए। ओके 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 एनिवर्सरी है 18 अप्रैल 1804, मेरा गेस तो यही है भाई क्योंकि और कोई नंबर मुझे मिला नहीं है पूरे गेम में, एंड आई थिंक 1804 ही हमारा पासवर्ड है। 18 अप्रैल हो गया या फिर 0418 क्योंकि कई लोग उल्टा भी लिखते हैं। बच गया
अब बस इस बावले से बच के जाना है। ओ भाई कैसे बचा है, मिड एयर वापस आना पड़ा। इस आई गेस इधर जाने देना चाहिए मुझे, राइट पे दिक्कत देगा। यस चलिए जी, चाबी को यूज, सॉरी लॉक खोला जाए। 1804, हाँ देखते हैं। 1804 मिल गया, नाइस। तो ओके, तो अब मैं इसे मॉन्स्टर को मार सकता हूँ। व्हाट, गेम अजीब सा हो गया है एंड आई डोंट लाइक इट। ये क्या है यार, ऐसे कैसे मारूंगा? व्हाट इज दिस चिरान? आई गेस मुझे उधर से नहीं जाना है, पता नहीं। मॉन्स्टर भी नहीं आ रहा है अब, मुझे ये नहीं पता ना कि कितना इफेक्टिव है ये दिस स्लिंग शॉट। या फिर ये काम करेगा भी नहीं करेगा अल्टीमेटली, आई डोंट नो। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ये हॉल तो एंड है। सो दिस इज अ रॉन्ग प्लेस टू बी एट। आई गेस मुझे टॉय यूज करने चाहिए ट्रिगर करने के लिए, उसे बुलाने के लिए। आई डोंट नो आ रहा है। उसकी आवाज आई अभी, लेफ्ट साइड से आई थी। यार ये तो मतलब वही हो गया कि मतलब चैलेंज करो चैलेंज करो सामने से, बट ये गुलेल कुछ काम नहीं कर रही है उस पे। कैसी सी बच्ची है यार इतनी सी। आगे सीधा ही जाना है? नहीं, सॉरी, बहुत कंफ्यूजिंग है गेम। आई विल गो गो गो, अब तो आएगा नहीं तो कोई फायदा नहीं है डरने का इस किसी चीज से। अरे यार कैसे मारूंगा ये, व्हाट इज दिस? जाना इधर ही है तो मुझे भी पता है। आई गेस चार बार मारा है ना मैंने। ओके, समझ गया। काश अब चला जाए। रूबी अपनी नाना को आके किस करो। अच्छा गेम बोल रहा है, अभी किस करता हूँ। नाना, पर मुझे लगा था कि आप, व्हाट? भूल जाता हूँ जंप करना है। अच्छा पुलिस, जाओ वहीं रहो, हम जाग रहे हैं, हम गाड़ी में हैं, पुलिस हमें ले गई और ये मॉन्स्टर फंस रहा है। बट रूबी बच गई, यानी हम बच गए, एंडिंग एस्केप आर्टिस्ट। तो क्या गेम पार हो गया? कंटिन्यू करके देखूं एक बार, आई डोंट नो।
आगे भी ऐसे ट्राई करना चाहिए मारने का। ओ अच्छा, गेम ओवर होता तो भी गेम मतलब हेल्प कर रहा है, ये दी एंडिंग आई गेस। ऑलराइट, ठीक गेम था, इसका दूसरा पार्ट भी खेलूंगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो कमेंट जरूर करना एंड लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, लाइक कर दो लाइक। और इस गेम का एक और पार्ट है जो कि मतलब इसी की तरह है, 2D है, साइड स्क्रोलर ही है, बट तीसरा पार्ट पूरा 3D हो जाएगा, जो कि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। ये गेम इतना डरावना नहीं है बट इसमें जंप स्केयर आते हैं थोड़ा सा, मैं एक बार के लिए डर जाता हूँ, दोबारा नहीं डर पाऊँगा इसमें। बट मुझे नहीं पता 3D में तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डरावना हो गई है। बट एनीवेज, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। ये था मिस्टर हॉप्स प्ले हाउस पार्ट 1, मतलब गेम का नाम भी पार्ट 1 है, और होपफुली इस वीडियो का भी पार्ट 1 ही होगा क्योंकि हमने गेम पार कर दिया है। एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो इस गेम के दूसरे पार्ट के लिए, क्योंकि दूसरा पार्ट आई थिंक मुझे खरीदना पड़ेगा, पहला पार्ट फ्री है। बट हाँ, अगर आप फ़ोन पे खेलना चाहते हो उस गेम को तो ये फ़ोन पे अवेलेबल है, प्ले स्टोर और आईफोन के लिए भी ऐप स्टोर पे, तो दोनों पार्ट आई थिंक दोनों पार्ट ही फ्री हैं फ़ोन पे तो, बट PC पे खरीदना पड़ता है, पता नहीं आ सकता। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।